फाइनली बैग पैक हो गया, हेलमेट रेडी, और गाइस निकलने का टाइम हो गया तो फटाफट निकलते हैं। बाय बाय लूसी। अपनी ब्लैक पैंथर फुल रेडी हो चुकी है और अभी के टाइम में सुबह के 5 बज चुके हैं भाई। मॉर्निंग का टाइम देखो कैसे भी दिन ऐसे है, तो फटाफट निकलते हैं बहुत। बाय 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 माते, बाय बाय लूसी। तो अभी के टाइम में हम निकल दिए हैं, सुबह चार्जर ले लिए हैं, सब कुछ ले लिए हैं, बाइक में तेल फ्यूल और वगैरह वगैरह सभी चीज़ें हो चुकी हैं। अरे गाइस टाइमिंग तो 5:10 करेक्ट हो रहे हैं, और यहाँ से 8:09 पे हम लोग निकले हुए हैं घर से, और रास्ता हम लोग की जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। मेन हाईवे पहुँच के हम मैप का स्टार्ट करेंगे, वहाँ से मैप लगाएंगे। और ये हमारे गांव का सीन है कुछ इस तरह सुबह के टाइम में, जो कि मॉर्निंग में हो चुकी है खाली पूरी है खाली भाई। बाकी गाइज निकलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो गाइज आई होप आप लोग भी बढ़िया और मस्त होंगे और फुल एक्साइटमेंट होंगे गाइज, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटमेंट हूँ क्योंकि मेरी फर्स्ट ऐसी जर्नी होने वाली है जो एक साइड से भाई 250 से 300 किलोमीटर के अराउंड वन साइड से होने वाली है। ये राइड गाइज हम लोग स्टार्ट किए हैं बस्ती से टू लखनऊ, लखनऊ के लिए हम निकल रहे हैं। लेकिन गाइज हम भी जब भी टाइटल यूज़ करेंगे गोरखपुर यूज़ करेंगे, और गाइज हम निकल रहे हैं बस्ती से टू लखनऊ, वो भी सुबह के मॉर्निंग के टाइम में। टाइमिंग हो रहा है 5:27 पे। अभी जस्ट हम मैप लगाएंगे और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। गाइज मैं एक चीज़ बता दूँ, रात को भाई एक्साइटमेंट की वजह से थोड़ी बहुत जल्दी यानी कि 2 बजे उठ गया था। फिर मम्मी बोली सो जा, मतलब मम्मी बोलती सो जा, उसके बाद ही मैंने सो गया फिर रिटर्न। फिर वहाँ से फिर गाइज कंटिन्यू सुबह सुबह उठे, वहाँ से फिर अभी सुबह के टाइम प्रिपरेशन किए, 5:10 घर से निकले हैं और मेन हाईवे पे आ चुके हैं। और 5:27 हो रहा है और ये राइड 5:27 से कंटिन्यू कर रहे हैं, और टाइमिंग देखते हैं कितने बजे तक हम गोरखपुर पहुँच जाते हैं, जिसमें रेस्ट टाइमिंग और टाइमिंग सभी रहेंगे। और गाइज मैंने प्रिफर किया इसलिए कि मॉर्निंग में, क्योंकि बाइक चलाने में रोड वगैरह हर चीज़ खाली रहता है, तो सुबह के मॉर्निंग के टाइम में बाइक चलाना बहुत ही ईजी है, बहुत ही कम्फर्ट रहेगा, और लंबी राइड है इसलिए हम स्पीड लिमिट 90-95 इससे ज़्यादा ऊपर नहीं रखेंगे, क्योंकि भाई लंबा बाइक को भी चलना रहता है और बाइक हमको भी चलना रहता है, तो बहुत ज़्यादा तेज चलेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो गाइज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस राइड में, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आने वाली है, क्योंकि लखनऊ के लिए फर्स्ट टाइम ऐसा इतना लंबा राइड करेंगे। इसके बाद हम लोगों ने बहुत सी राइड ऐसे प्लान किया हुआ है, बट आपका सपोर्ट चाहिए गाइज और प्यार चाहिए। तो गाइज इसी बात पे सपोर्ट और प्यार दिखाओ, वीडियो को लाइक कर दियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लियो भाई। जितने लोग भी मेरे लोकल लोग देखते होंगे भाई, मैं चाहता हूँ उनसे सपोर्ट मिले जिससे मैं ऐसी राइडें करते रहूँ भाई। तो बाकी मज़ा बहुत ज़्यादा आने वाला है गाइज, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं, जर्नी स्टार्ट करते हैं अपनी आप लोगों के साथ फटाफट। गाइज यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कितना। लखनऊ यहाँ से 213 किलोमीटर है और अभी जस्ट मैंने बैनर देखा है, तो देखते हैं कितना टाइम टोटल मुझे लग जाता है 213 किलोमीटर कवर करने में। और ऐसा इतनी लंबी फर्स्ट कितनी ज़्यादा मेरे लिए चैलेंज होगा, बॉडी के लिए, बाइक के लिए, बाइक चलाने के लिए, सब कुछ गाइज मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम होगा। तो बाकी आप समझ सकते हो ना एक ऐसा फीलिंग कैसी आप मतलब होगा। तो बाकी गाइज यार मैं चाहता हूँ आप वीडियो को लाइक कर दो इसी बात पर, और फटाफट कमेंट करके बता दो कि लखनऊ में किसकी कौन सी प्यारी जगह है भाई, फटाफट कमेंट कर दियो। तो स्टार्ट करते हैं गाइस जर्नी को। मैं बता दूं आपको, मुझे यहाँ से 2 घंटे 3:10 लगने वाले हैं, और 199 किलोमीटर है BBD कॉलेज लखनऊ में, जहाँ मुझे मतलब रुकना है। उसके बाद फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट करेंगे लखनऊ के अंदर सिटी की। तो अभी 51 किलोमीटर तक हमको एकदम सीधा चलना है और उसके बाद फिर कहीं मुड़ना है। तो जस्ट आप चेक कर सकते हो गाइस कि 3 घंटे 10 मिनट तक ये राइड मुझे कंटिन्यू करनी है, और इसी में हम 40 से 45-50 मिनट की अपनी रेस्ट टाइमिंग भी रखते हैं और 4 बजे का प्लान करते हैं, यानी कि 6:40 यानी कि 10:30 तक हम लोग पहुंच जाएंगे अराउंड लखनऊ आराम से। तो गाइस फाइनली हम बस्ती टोल पहुंच चुके हैं। टोटल यहां से यानी कि 51 किलोमीटर थे, हम लोग 12 किलोमीटर या घर से आ गए, टोटल 27 किलोमीटर आ चुके हैं, और यहाँ से निकल जाएंगे भाई फटाफट। और गाइज एक्साइटमेंट अंदर ना बहुत ऊर्जा भरी है, जैसे एनर्जी कहते हैं ना,
कि भाई इतनी लंबी राइड करनी है मेरे लिए, जैसे गाइस जैसे धीरे धीरे लंबी है मेरे लिए, लंबी है ये, और अंदर बहुत तगड़ी एक्साइटमेंट है गाइस। मैं जो चीज़ मतलब कहते नहीं वो खुशी, वो भाई बस बाइक को चलाते ही हुई सफ़र का मज़ा लेते हुए करते रहना है भाई, अंदर अलग ही एनर्जी है गाइस, बहुत तगड़ी वाली एनर्जी। जैसे कि भाई होता है ना कि फर्स्ट टाइम कोई काम करो तो बहुत ही एक्साइटमेंट रहता है अंदर, तो वो सीन होने वाला है गाइस, बहुत तगड़ा एक्साइटमेंट अंदर है। बाकी ठीक है, अपन लोग जस्ट इंजॉय करते हैं सफ़र में, पूरा का पूरा मज़ा लेते हैं सफ़र का। तो चलते हैं गाइस यहाँ से, अभी 48 किलोमीटर स्टे चल रहा है, उसके बाद थोड़ा सा यू टर्न है। आप देखो कि सुबह के टाइम में मॉर्निंग का टाइम ही है, बट ये है कि भाई बारिश का पूरा मौसम है, देखो साइड कितना ज़्यादा गीला है, पानी भी लगा हुआ है और बारिश का मौसम बिल्कुल बना हुआ है, बहुत ज़्यादा बना हुआ है, तो इस चीज़ का लफड़ा भाई है, दिक्कत ना हो जाए भाई, बारिश ना हो जाए, बारिश हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी गाइस, राइड का पूरा मज़ा बेकार कर देगी बारिश। क्योंकि भाई अभी तो मैं रेन जैकेट वगैरह कुछ नहीं ले आऊँ, क्योंकि अभी तो ऐसे सीरीज़ मुझे ख़रीदनी है गाइस, आप ऐसे सपोर्ट बनाए रखो मैं सारी चीज़ें कर लूँगा भाई। और अभी के टाइम में हम कप्तानगंज आ चुके हैं, कप्तानगंज पहुँच चुके हैं, और यहाँ से भी 22 किलोमीटर और चल रहे हैं अभी सीधा। ये रही गाइस कप्तानगंज से, और हम लोग कप्तानगंज को भी क्रॉस कर दिए हैं अपने सफ़र की और राइड की साइड, हम लोग भी बाइक एकदम कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। चलते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा आने वाला है। बाकी आप प्यार और सपोर्ट बनाए रखो ऐसे। गाइस एक भाई को पिकअप कर लेते हैं, यार कहाँ जा रहा है भाई, लिफ्ट मांग लिया बीच रास्ते में। कहाँ तक चलना है? तो मैं लखनऊ के लिए निकल रहा था, तो ये तो 8 किलोमीटर से कहीं घूमने को बता रहा है। लखनऊ? हाँ, तो हाईवे ही चलिए ना सीधा। ठीक है, एडजस्ट हो जाएगा, बैग की बैग उतारना पड़ेगा। ठीक है, बीबीडी कॉलेज। जैसे ही अयोध्या में एंटर करेंगे हमारे भोले बाबा आपको दिख जाएंगे, काफ़ी बड़ी मूर्ति है। अयोध्या एंटर करने से पहले तो जस्ट यहाँ से अयोध्या ब्रिज स्टार्ट होती है, अयोध्या ब्रिज भाई जो स्टार्ट हो रही है। बाकी आप सामने का नज़ारा खुद ही चेक करो। सुबह के टाइम में मौसम थोड़ा सा बादल टाइप है, यानी कि बारिश हल्की हल्की, लेकिन अभी हो नहीं रही है, बट ये है कि भाई वेदर बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। ठीक है भाई, बाय बाय सर, थैंक यू। क्या कला है ब्रिज पे देख रहे हो यार, क्या खतरनाक है भाई, बहुत प्यारी है। अभी इस टाइम अयोध्या से आगे मैं राइड पे नहीं बढ़ा था, एक बार बढ़ा हूँ जब हम लोग फैजाबाद जा रहे थे तभी मैं पढ़ा था। अयोध्या क्रॉस करने के बाद भी यहाँ से 36 हो गया है, और हम लोगों ने सोचा था, या हम लोगों ने क्या, मुझे मैं ही सोचा था कि आदत सी हो गई है, क्योंकि अभी तक ग्रुप में राइड कर रहा था, आज फर्स्ट टाइम सोलो में कर रहा हूँ ना, थोड़ी बहुत आदत सी हो गई थी। तो हम सोचे थे गाइस 50 किलोमीटर पे पहले स्टॉप रखेंगे अपनी चाय पानी पीने का, बट गाइस कोई अच्छी स्टॉल नहीं मिल पाई बढ़िया, जहाँ बैठ के 2-4 मिनट बैठ के पी के निकलें, और चेक करते रह रहे हैं क्या पता मिल जाए कहीं आगे चल के। और यहाँ से अयोध्या का सीन आप चेक करो, अयोध्या यहाँ से निकल चुके हैं, ये चेकआउट दिस अयोध्या नगरी। गाइस सूर्य देव प्रभु निकल चुके हैं, और यहाँ से भी चाय पी के निकलते हैं भाई, ये अपनी धनोखड़ी, और टाइमिंग देखते हैं। तो को 88 किलोमीटर अभी यहाँ से चलने हैं, 88 किलोमीटर डेढ़ घंटे की राइड यहाँ से सीधे, मतलब 88 किलोमीटर और चलने हैं, और टोटल चलने हैं 105 किलोमीटर, यानी कि 105 किलोमीटर टोटल चलने हैं बीबीडी कॉलेज के लिए। उसके बाद अदरवाइज पता नहीं 3-4 किलोमीटर जो भी है वो मेहनत हो जाएगा, बट 88 किलोमीटर सीधा चलने हैं नॉन स्टॉप, कहीं रुकना नहीं, कहीं झुकना नहीं, कहीं मुड़ना नहीं, तो ये चीज़ है।
बाकी रोड के टाइम पे मैं एक चीज आपको दिखाऊं कि भाई मेरी ऑन एवरेज 49 किलोमीटर पर लीटर भाई 49 किलोमीटर की आ गई। एमटी की इतनी ज़्यादा बेस्ट एवरेज निकालना बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मुश्किल होता है, बट गाइस मैंने ये चीज़ कर दी का के टाइम में रुक गए थे भाई। कौन सी जगह है अभी है ये, कौन सी जगह है क्या बोले हैं, बिटरिया बाईपास भाई। और ये रही अपनी बाइक, देख रहे हो भाई चलते चलते, ये कि चैन स्प्रे वगैरह मार दिया था तो बाकी चमक रही है। और ये सेटअप इसी को तो चेंज करने हैं, और यहाँ से भी लखनऊ बचे 50 किलोमीटर, इसके बाद रुकेंगे नहीं, सीधा निकलेंगे और खाते हैं कुछ पीते हैं। यार थोड़ा सा हालत आ रही थी बॉडी में, पहली बार है ना राइड करते करते, हालत तो पंचर हो गई। सुबह के टाइम में निकले थे अराउंड 5:10 पे निकले हैं और अभी 8 बजने को आ रहा है, 9:30 तक कवर कर लेते हैं, पहुंच जाएंगे आराम से। बाकी मज़ा आया राइड में, आप बाकी कमेंट करके आप बताइए कि राइड का क्या सीन आया, मज़ा आएगा कि नहीं। और एक दुकान है यहीं पर, रुके हैं खाने पीने के लिए। क्या अपना खस्ता मटर चेक करो, बाकी खाना हो तो आ जाओ आप भी। चाय नाश्ता अपनी हो गई और निकलते हैं यहाँ से, 50 किलोमीटर बचे हैं और कवर करते हैं फटाफट, यानी कि 1 घंटे 10 मिनट लग जाएंगे और चलते हैं फटाफट। बीच रास्ते में रुधौली, जैसे ही हम टोल पहुँचे ने रुधौली वाले पे, वैसे बारिश स्टार्ट हो गई तो हम लोग रुकेंगे भाई टोल के नीचे, चल के आगे शायद नीचे रुकेंगे भाई। बारिश स्टार्ट हो गई है यार, बहुत बुरी हो रही है। कुछ ज्यादा बुरी होने लगी भाई। हल्की बारिश तो स्टार्ट है बट रुक नहीं रहे हैं, अगर रुकेंगे तो फिर प्रॉब्लम और ज्यादा बारिश बढ़ती जाएगी, क्रिएट होता जाएगा। बट ये कि गोप्रो वगैरह भाई पानी भी जल सकता है और रुकना ही बेटर पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम ज्यादा ही हो जाएगा। यार आगे कहीं रुकने लायक है। तकरीबन 10-20 किलोमीटर पहले, 22 किलोमीटर पहले यार बारिश स्टार्ट हो गई। अभी यहाँ से ना शूज बचेगा, ना कपड़े बचेंगे, ना बाइक बचेगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा भाई। इधर से इतनी ज़्यादा बौछारी उठेगी, इतनी ज़्यादा कचरा उठेगा भाई कि क्या बताऊँ, पूरे शरीर पे आ जाएगा भाई। राइड के बीच में बारिश स्टार्ट हो गई, अलग सीन हो गया भाई। बस कैमरा वगैरह बचा रह जाए, हाँ रिकॉर्डिंग तो चल रही है, कैमरा बचा रह जाएगा आई थिंक। लेकिन ये कि भाई इतना तेज बाइक फोर व्हीलर वाले उड़ा रहे हैं ना, कि ना गोप्रो की सेफ्टी बचेगी ना अपनी सेफ्टी बचेगी, इसलिए थोड़ा सा भाई मुझे केयरफुली बाइक चलानी पड़ेगी गाइस। फिर से बारिश स्टार्ट हो गई, 4 किलोमीटर चला नहीं कि फिर से स्टार्ट हो गए प्रभु। बट अभी रुकने का नहीं, अभी चलते रहने का फोन का स्क्रीन कर दिया ऑफ, फिर यहाँ से अपनी राइड कंटिन्यू होती रहेगी गाइस। यार नवाबों के शहर में हम एंटर कर चुके हैं, जो कि नवाबों का शहर है लखनऊ, तो बहुत ही इर्द गिर्द में चिनहट के 10 किलोमीटर दूर पे ही हैं और आ चुके हैं। ऐसा नहीं है शहर यहीं से स्टार्ट हो जाता है, देख रहे ऊपर से देखो यहीं से कितनी नीचे भीड़ दिख रही है ना, तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है शहर। अब बाकी लोकेशन देख लेते हैं अपना, 8 किलोमीटर का और रह गया है। फाइनली गाइस मैं आ गया लखनऊ भाई साहब, मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था भाई, थोड़ा सा चलाना बाइक को भाई, घर वालों के लिए भाई क्या ही बताऊँ आपको, क्या ही सीन हुआ है भाई। अलग फीलिंग अंदर आती है जब किसी चीज़ को पहली बार करो, कर ले जाओ भाई, क्या मज़े हैं भाई, क्या है भाई। भाई ये कमेंट करना कौन बाइक से लखनऊ के लिए ट्रिप मारा हुआ है, इतना आसान नहीं होता है बस्ती से या गोरखपुर से लखनऊ के लिए ट्रिप मारना, जितना भाई देखने में हाँ नज़दीक के फैजाबाद वाले लोग मारे होंगे, बट गाइस इतना दूर ना, माँ कसम भाई, बल्ले बल्ले। चेक आउट बीबीडी यूनिवर्सिटी गाइस, यही है बीबीडी यूनिवर्सिटी भाई साहब, खतरनाक एकदम ग्रीन सिटी बीबीडी।